कुर्सियों पे एक बार उनके लिए भी जयकारा लगा दें, बोले सच्चे दरबार की। और जो प्रसाद के लिए आए हैं यहाँ पे भक्त, उनके लिए भी जयकारा हो जाए सच्चे दरबार। आपको नहीं लग रहा? हाँ तो बताओ, सबको सुंदर लग रहा है। अब कौन कौन चाहता है कि ऐसा दरबार उसके घर के आगे लगे, वो दोनों हाथ खड़ा करो जो चाहता है। ऐसा दरबार अगर आपके घर के आगे लगेगा परमानेंटली हमेशा के लिए, तो उसे हम क्या बुलाएंगे? मंदिर कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलिए इसके। मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए, पीछे वाले आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं चाहते आप मंदिर बने? चाहते हो? नहीं चाहते? चाहते हो तो बोलो साथ में मिलके। ताली सर। मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए, और जब मंदिर बन जाएगा तो क्या होगा? जैसे ये खिड़की, जब खिड़की ही मैं खोलूं, जब खिड़की ही मैं खोलूं तेरा दर्शन हो जाए। देखो कितनी अच्छी बात होगी, सुबह सुबह उठ रहे हो क्या? मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की ही मैं खोलूं तेरा दर्शन हो जाए। भाई ये रोक ले मेरी माता बहन, ठीक है जी। अब आई मेरे भाइयों की बारी, मेरे अंकल जी की बारी, और जिन जिन अंकलों की हाथ फेर लो। मुझे आते ही जाते माँ तेरी मूरत दिखाई देगी, मुझे आते जाते माँ तेरी मूरत दिखाई देगी। जब होगी आरती तेरी घंटी भी सुनाई देगी, और मुझे आते जाते माँ तेरी मूरत दिखाई देगी, मुझे आते जाते माँ तेरी मूरत दिखाई देगी, मुझे आते जाते माँ तेरी मूरत दिखाई देगी। जब भजन करे कोई, जब भजन करे कोई, मेरे कानों में पड़ जाए, कानों में पड़ जाए, क्योंकि मंदिर में भजन होते हैं, आरती होती है। जो मेरे लायक होगा वो सारे काम करूंगा, जो मेरे लायक होगा वो सारे काम करूंगा, जो मेरे लायक होगा वो सारे काम करूंगा। मैं आते जाता तुमको प्रणाम करूंगा, जो मेरे लायक होगा वो सारे काम करूंगा, जो मेरे लायक होगा वो सारे काम करूंगा, जो मेरे लायक होगा वो सारे काम करूंगा। तेरी सेवा करने से, तेरी सेवा करने से मेरा मन प्रसन्न हो जाए। माँ तेरी सेवा करने से मेरा मन, मन पर्सन होता है माँ की सेवा करने से। मेरे घर के आगे माँ, जब खिड़की ही मैं खोलूं। देखिए भाई बहुत अच्छी संगत है गौशाला की, है जी। दो और आइए एक बार साथ के साथ चलते हैं, दोनों हाथ ऊपर। Thank you.
हम भगत, आप जितने भी बैठे हैं माँ के भक्त हैं, माँ के लाल हैं, क्या कह रहे हैं हम इस माँ से? घर में छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, थोड़ा अरे चुप रहे यार, चुप रहे ना, चुप रहे करके जागरण स्कूल को एक साल हुआ है तो इस खुशी में बर्थडे की शायद जी स्कूल का बर्थडे, मैंने कहा पता नहीं किस, मुझे तो बताया नहीं ना बर्थडे में, मैं तो केक खा के जाता। अच्छा, पहली बार जागराता है माँ के घर में, माँ का घर ही है, कितनी खुशी है आपको? खुशी बहुत, कितनी खुशी? शब्दों में बयान नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसा बता दो, किलो है, दो किलो है, पांच किलो है? मेजरमेंट हो नहीं सकता ना इसमें। चलिए, मेजरमेंट नहीं हो सकता, अनलिमिट खुशी। ठीक, तो खुशी में इंसान क्या करता है? भजन, गाना, डांस। भजन, गाना, डांस। और देखो माँ भी इसी चीज से खुश होती है। गाय
एक बात मैं पूछ
Oh,
भाई।